हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग का जो चैप्टर है वो क्लास टेन से कंसर्न करता है। और वो जो चैप्टर है वो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोडक्शन। तो इसका ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट था। अभी हम लोग टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे। टिश्यू कल्चर ऑल्सो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो टिश्यू कल्चर जो है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि इसमें प्लांट जो प्रोड्यूस होता है, वायरस फ्री प्लांट प्रोड्यूस होता है। किससे? तो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से। अगर कोई वायरस की वायरस क्या करता है कि प्लांट का जो है ऑलमोस्ट पार्ट जो है वो इन्फेक्ट कर देता है। सिर्फ टेंडर पार्ट जो है जल्द इन्फेक्टेड नहीं होता है वायरस से। तो टेंडर पार्ट जो होते हैं प्लांट के, उससे जो है क्या हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं, सेल और टिश्यू निकाल लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। और उसको जो है ना कल्चर मीडियम की वैसे मीडियम जहाँ पे कल्चर हो सके, यानी कि सारा न्यूट्रिटिव वैल्यू वाले सब्सटेंस जो होंगे उसको ऐड करेंगे, तो वैसे मीडियम में हम ग्रो करवाएंगे इस सेल और टिश्यू को। और इससे ऑब्टेन करेंगे ग्रुप ऑफ सेल जिसको कि कैलस बोलते हैं, जो कि फर्दर जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लांट लट्स में, स्मॉल प्लांट लट्स में, जिसको कि हम कमर्शियल पर्पस से जो है यूज कर सकते हैं, खेतों में उसको लगा सकते हैं। अब देखो कि ये जो इसको हम लोग टिश्यू कल्चर को हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन भी बोलते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक बार में एट अ टाइम जो है 1000 तक प्लांट हम लोग कमर्शियल पर्पस से जो है उगा सकते हैं और ऑब्टेन कर सकते हैं। मेनली जो है वो ऑर्किड्स प्लांट्स, डहलिया या ऑर्नामेंटल प्लांट्स का जो है टिश्यू कल्चर के थ्रू जो है हम न्यू प्लांट ऑब्टेन करते हैं। लेकिन जो है हम और भी प्लांट्स जैसे टमाटर, खीरा, ये सब के जो प्लांट्स है उसको भी हम टिश्यू कल्चर के द्वारा ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसको फिर से रिवाइज कर दे, टिश्यू कल्चर क्या है, टेक्निक है, कैसा टेक्निक है? तो ऐसा टेक्निक है जिसमें कि वायरस फ्री प्लांट्स को ऑब्टेन करते हैं, वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स से। तो इसमें क्या करते हैं, तो टेंडर पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, उससे जो है सेल और टिश्यू को रिमूव करते हैं और उसको कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं। कल्चर मीडियम में ग्रो करने से ग्रुप ऑफ सेल का फॉर्मेशन होता है जिसको कि कैलस बोलते हैं। और वही सेल से जो है वो टिश्यू ऑर्गेन ऑर्गेन सिस्टम बना के जो है प्लांटलेट्स फाइनली तैयार करता है। और यही प्लांटलेट्स का यूज हम करते हैं खेतों में, फील्ड में ग्रो अप करवाते हैं। और ये जो है टिश्यू कल्चर को हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं क्योंकि ये हजारों की संख्या में जो है वो एक बार में वायरस फ्री प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। अब इसको हम लोग जो है वो कह सकते हैं इन वीवो माइक्रो प्रोपेगेशन, क्योंकि कल्चर मीडियम में तैयार किया जाता है इसलिए उसका टर्म रहता है इन वीवो, इन वीवो या इन विट्रो माइक्रो प्रोपेगेशन। तो ये रह गया टिश्यू कल्चर। अब हम लोग बात करते हैं, हाँ वन मोर, कि तुम लोग जो है वो एक दो अगर टॉपिक नहीं मैं कल लिखवाया था और नहीं उसका नोट सेंड किया था, जैसे कि तुम्हारा हो गया स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन खुद से करोगे, और कोई किसी तरह की समस्या आएगी तो वीडियो देखोगे, प्रीवियस वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब देखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्या होता है कि फ्लावर की बात करते हैं, इसी को पॉइंट वाइज कॉपी में लिख लो। फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो नाइन्थ में पढ़े होंगे बच्चे उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। एंजियोस्पर्म जो होंगे फ्लावरिंग प्लांट्स मेनली या कवर्ड सीडेड प्लांट्स को हम लोग एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होता है, और या
यानी कि इसको हम लोग सीधे कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड फ्लावर। फ्लावर अगर बात करते हैं तो फ्लावर दो तरह के हैं, इसको पॉइंट वाइज लिख लोगे, कोई नोट्स का वेट नहीं करोगे। फ्लावर दो तरह के, एक यूनिसेक्सुअल और दूसरा बायसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। अब देखो कि यूनिसेक्सुअल की बात करें तो नाम से पता यहाँ टर्म से पता चला यूनि है यानी कि सिंगल सेक्स, सिंगल सेक्स आइदर मेल और फीमेल होंगे। और इसमें क्या होगा, बाइसेक्सुअल है तो बोथ सेक्स, बोथ द अपोजिट सेक्स, बोथ द अपोजिट सेक्स दैट इज मेल एंड फीमेल। तो ये दोनों सेक्स होगा, मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा, तो उसको हम लोग टर्म देंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर को अगर हम बात करें कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर को ही हम लोग इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं, इनकम्प्लीट, और बाइसेक्सुअल को हम लोग कम्प्लीट या फिर हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, हर्मा PHRODIT, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे या क्या क्या पार्ट्स होंगे उसको अगर हम देखें तो फ्लावर का जब डायग्राम बनाते हैं तो ये देखोगे लोअर पोर्शन जो होता है ये ग्रीन कलर पार्ट होगा जो कि बर्ड के समय में जो है पूरे होल को प्रोटेक्टेड करता है, उसको सेपल बोलते हैं। सेपल ग्रुप ऑफ सेपल को हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। ये हमारा जो है वो ब्राइट कलर पार्ट होता है जिसको कि पेटल बोलते हैं, जिस पर कि फ्लावर का कलर डिपेंड होता है, लाल फूल, पीला फूल, नीला फूल कहते हैं। इसका मतलब है कि उसका पेटल लाल पीला नीला होगा, इसके ग्रुप को हम लोग कोरोला बोलते हैं। अब देखो कि इसी में क्या होंगे कि इसी में ये पोर्शन बीचों बीच लोकेटेड होगा जो कि क्या होगा कि फीमेल पार्ट्स होगा, यानी कि ये जो है स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, और ये तीनों मिलके फीमेल पार्ट्स बनाता है जिसको कि पिस्टिल या फिर कार्पल बोलते हैं। ये सब नोट डाउन करोगे कॉपी में, यहाँ पे ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको जो कि मेल पार्ट है। इसमें देखेंगे कि दो पार्ट है, एंथर और ये जो हो गया फिलामेंट, ये दोनों मिलके, ये दोनों मिलके बनाएगा स्टामेन, और स्टामेन के ग्रुप को एंड्रोसियम बोलते हैं, एंड्रोसियम, और इसके ग्रुप को गाइनेशियम। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम इस फ्लावर को शो करेंगे और उसके सारे पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या है,
अभी थोड़ा सा एक पॉइंट्स देख लो और देखो क्या रहने दो आज के लिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।